किस हद तक ये एजेंसीज लोगों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जिस आदमी के ऊपर 8 से ज्यादा एक्ट्रेस और मॉडल ने मोलेस्टेशन का केस लगा दिया, IFTDA यानी कि इंडियन फिल्म एंड डायरेक्टर एसोसिएशन ने इस आदमी को 1 साल के लिए इनके कर्म कांड के चलते बैन कर दिया। फैक्ट्स पर संजय दत्त के आपकी अदालत के अंदर खुद के ये बयान थे कि उनको राइफल रखने का शौक। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिव्यू विद अक्की। ये PR एजेंसीज ऐसा कौन सा जादू करती हैं कि एक विलेन वाली छवि वाला आदमी कुछ ही सालों में एक संत नजर आने लगता है। और लोगों को आखिरकार इन PR एजेंसीज की जरूरत पड़ती क्यों है? किस हद तक ये एजेंसीज लोगों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं? एयरपोर्ट पे चलने के स्टाइल से लेकर के मीडिया में दिए गए इंटरव्यू, चैरिटी करने से लेकर के सिद्धि विनायक मंदिर में चुनरी ओढ़ करके पूजा करना सब किसी और के कहने पर हो रहा है, तो इसमें कितना बड़ा झोल है, इसी पर बात करें। ये PR एजेंसीज आखिर है क्या भला? पब्लिक रिलेशन एजेंसीज, एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक में आपका अपीयरेंस कैसा होगा या कहें कि आपकी इमेज बनाने का ठेका उठा करके रखती है। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है स्पाइस PR, जो शाहरुख, दीपिका और आमिर खान जैसे स्टार्स का PR संभाल के रखती है। सवाल है कि आखिर इन PR एजेंसीज की जरूरत पड़ती क्यों है? देखिए, किसी भी आदमी की जिंदगी में दो एसेट होते हैं, टेंजिबल नॉन टेंजिबल। टेंजिबल एसेट जैसे कि आपकी कार, घर, फर्नीचर। इनटेंजिबल एसेट यानी कि पब्लिक डोमेन में आपकी छवि कैसी है। देखिए, किसी भी आदमी की जिंदगी में उसकी इमेज बहुत हद तक मैटर करती है, पर इतनी भी नहीं कि वो उसके ऊपर करोड़ों रुपए फूंक दे। पर बात जब सेलिब्रिटीज की आती है तो इनकी लाइफ में इनकी इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, खासकर बात जब इंडियन सेलेब्स की हो, जहां पर इंडिया के अंदर फिल्म्स को फैंस के थ्रू देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रजनीकांत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनकी मूवीज को आज भी लोग दूध और नारियल फोड़ करके देखने जाते हैं। एक सेलिब्रिटी का आगे का करियर कैसा होगा ये बहुत हद तक उसकी इमेज पर डिपेंड करता है। तो इमेज जब यहाँ पर इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर खर्चा भी करोड़ों का होगा, और यहीं से काम शुरू होता है PR एजेंसीज का। इन PR एजेंसीज का इन्फ्लुएंस कितना तगड़ा होता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप गौर करें तो आज से कुछ साल पहले तक सलमान खान की इमेज एक बैड बॉय की हुआ करती थी। मीडिया को थप्पड़ मारना, ऐश्वर्या के साथ वॉयलेंस, विवेक को गाली गलौज कर देना, हिरन का शिकार, फुटपाथ एक्सीडेंट जैसे इंसिडेंट्स के लिए। पर आज सलमान खान को कैसे जाना जाता है? बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट, चैरिटी, बिग हार्टेड मैन, लोगों का भला करने वाला भाई। तो ये कमाल होता है PR एजेंसीज का। इस इन्फ्लुएंस का लेटेस्ट एग्जांपल है साजिद खान। अब आप खुद सोच करके देखिए कि जिस आदमी के ऊपर 8 से ज्यादा एक्ट्रेस और मॉडल ने मोलेस्टेशन का केस लगा दिया, IFTDA यानी कि इंडियन फिल्म एंड डायरेक्टर एसोसिएशन ने इस आदमी को 1 साल के लिए इनके कर्म कांड के चलते बैन कर दिया, वो आदमी आज बिग बॉस में साजिद सर और साजिद जी कहकर के पुकारा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये आदमी 50 लाख की धनराशि या फिर बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए 3 महीने तक इस घर में पड़ा हुआ है? ये सब होता है PR एजेंसीज के कहने पर, ताकि पब्लिक के दिमाग में एक सिंपैथी फैक्टर गेन किया जा सके, जहां पर ये आपको अपने स्ट्रगल की और अपनी पुरानी जिंदगी की कहानी बताएंगे और पब्लिक के दिमाग में इनकी छवि अच्छी हो जाएगी, ताकि इनका करियर दोबारा से बूम कर। इस खेल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है संजू मूवी। ये मूवी एक्चुअली संजय दत्त के बारे में थी, जिसको देखने के बाद पब्लिक का रिएक्शन कुछ ऐसा था। दिस इज व्हाट संजय दत्त हैज फेस्ड। अब नजर डालते हैं कुछ फैक्ट्स पर। संजय दत्त के आपकी अदालत के अंदर खुद के ये बयान थे कि उनको राइफल रखने का शौक है, और जब उनके पास AK-56 आई तो उनका मन किया कि धाय धाय करके वो सारी गोलियां इसकी बाहर निकाल दें। लेकिन मूवी के अंदर इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि संजय दत्त ने AK-56 अपने फादर की सुरक्षा के लिए रखी थी। अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो हर घर के अंदर एक AK-56 या AK-47 राइफल होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को किसी ना किसी से किसी ना किसी तरीके का डर तो है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो अंडरवर्ल्ड से बात करते हुए इनकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और जिस रिकॉर्डिंग को सुन करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड के साथ संजय दत्त के कितने ज्यादा गहरे रिश्ते थे। और मूवी में इसको इतना ज्यादा कन्वीनियंटली दिखा दिया गया कि उनके रिश्ते सिर्फ एक मामूली से डॉन से थे, जो उनको गणपति पे नाचने के लिए फोर्स करता था और जिसको वो अपोज करते थे। कुल मिलाकर जो भी छवि आपकी चहेते स्टार की आपके दिमाग में है, वो उसके किए गए एक्शंस की वजह से नहीं है, बल्कि पैसे लेकर के जो एक्शंस उसको सजेस्ट किए गए हैं उसकी वजह से है। आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारा वादा है कि मूवी दमदार हो ना हो रिव्यू जरूर होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए दमदार कॉन्टेंट के साथ या फिर किसी मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।